तो जी आज हम आ गए हैं मुंबई में, और मुंबई में आपको दिखाने वाले हैं जी मुंबई की बहुत ही फेमस कच्ची ढाबेली। तो आप देख सकते हो सबसे पहले भैया ने यहाँ पे मसाला ले लिया ढाबेली का, मतलब भाई इतनी क्वांटिटी में यहाँ मसाला डाला जाता है, और एक बार नहीं जी दो ड्रम भर के यहाँ पे भैया ने मसाला ले लिया है। मतलब ये ड्रम के अंदाजे से आप लगा सकते हो कि भाई यहाँ कितनी ढाबेली बिकती है। उसके बाद जी यहाँ पे धनिया डाला जा रहा है ऊपर से, और धनिया भाई ऐसे ही नहीं डाल रहे, एकदम मुट्ठी भर भर के एकदम सजा रहे हैं हमारे पूरे थाल को। और इसके बाद जी इसमें आएगा जी एप्पल, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ढाबेली के अंदर एप्पल डल रहा है। अगर आपने कहीं देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी है। और इसके बाद जी एप्पल को बढ़िया तरीके से ऊपर सजाया जा रहा है, मतलब एक्चुअल में मैं इतना टेम्पटिंग दिख रहा है ना ये चीज़ कि भाई मन तो कर रहा है कि जल्दी से ढाबेली बनाए और फिर इसे टेस्ट करें। वैसे अगर आप गुजराती हैं या आपके दोस्त गुजराती हैं तो उन्हें इस वीडियो में ज़रूर टैग करना और उन्हें कहिएगा कि आप। और इसके बाद जी ऊपर से आ रहा है जी नारियल का खोपरा, ये तो आपने हर जगह देखा होगा कि नारियल का खोपरा डलता है, तो इसके बिना एक्चुअल में कह सकते हैं ढाबेली भी इनकम्प्लीट है। और ऊपर से जी अभी नेक्स्ट आ रहा है हमारा पोमोग्रेनेट या अनार, अनार को काटने का भी तरीका बहुत ही यूनिक है भैया का। और इसके बाद यहाँ पे जी ऊपर से आप देख सकते हो अनार से पूरी ड्रेसिंग कर दी, और भाई कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये ढाबेली का थाल। मतलब ढाबेली बनने के बाद तो अलग होती है, बट इसका थाल ही इतना सुंदर लग रहा है कि आपको क्या ही बताऊँ। तो जी अभी हमारे ढाबेली की मेकिंग चालू होगी। तो मुंबई के जैसे कि आपको पता है कि पाव बहुत ही स्पेशल रहते हैं, तो इसके कारण ढाबेली का एक अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि यहाँ के पाव जी बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो भैया ने यहाँ पर पहले मसाला डाल दिया है एकदम अच्छे तरीके से, ये आ गया जी प्याज, और इसके बाद यहाँ पे भैया ने डाल दिया जी चटनी, और यहाँ पे पीनट्स आ गए, और इसे बढ़िया से जी अभी बटर में सेका जाएगा। बटर तो हमने पूछा नहीं, बट हो सकता है कि अमूल या डिलीशियस ही हो। तो इसके बाद जी वापस ढाबेली का ये प्रोसेस पूरा दिन चलता है, और यहाँ पे जी बहुत तगड़ी डिमांड रहती है, मतलब पूरा टाइम कंटिन्यूसली यहाँ पे ढाबेली बनती रहती है। और अगर आप बॉम्बे से हैं या आप बॉम्बे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ ढाबेली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की ढाबेली बहुत यूनिक है। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो जी एप्पल डलता है, तो उसे थोड़ा अलग ही बनाता है, और जैसे कि देखो आपने ढाबेली बनी कि लोग आ गए, मतलब बारिश का मौसम है तो ढाबेली खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो भाई हमारी तो ढाबेली बनकर रेडी हो चुकी है, अगर आपको पसंद है ये ढाबेली तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। मैं आपको एक बार स्टॉल दिखा देता हूँ। तो ये जी भैया का स्टॉल बहुत ही फेमस है, 5 बजे ये खुल जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमको आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि बहुत न्यू थी मेरे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे भैया ने जी प्याज ले लिए कटे हुए, एकदम बारीक कटे हुए प्याज है। उसके बाद जी पीनट डाल रहे हैं, और ये आ गई जी ऊपर से चटनी। मतलब जो चीज़ें ढाबेली में डलती हैं वो भैया तवे पे पका रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। इसके बाद जी इसमें बटर डाल रहे हैं, बटर के बाद ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो इसके बाद देखते हैं कि भैया क्या डालते हैं। तो ये आ गई जी चीज़, मतलब लिटरली चीज़ आएगी, मतलब भाई आजकल ना हर चीज़ में चीज़ डलती है, तो इसमें भी डली गई। तो देख सकते हो आप मसाले को चीज़ के ऊपर पूरा पैक कर दिया है एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब जब तक चीज़ मेल्ट हो उसे अच्छे तरीके से पकाया गया है, और अभी इसे सर्व किया जाएगा प्याज और पीनट्स के साथ। तो जी हमारा मसाला पाव रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और गुजरातियों के साथ तो बिल्कुल शेयर करना। मैं मिलता हूँ जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो में।